सतरंगी बालों वाली बहू। मुंबई शहर में चाहत नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती थी और साथ ही वो अपने लंबे घने काले बालों में कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, अलग अलग तरह के रंगों का उपयोग करके बाल कलर करवाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने बालों में इंद्रधनुष के रंगों की तरह अपने बालों में सतरंगी कलर करवा लेती है, जिसे देखकर चाहत की माँ के होश उड़ गए। अरे, ये तुमने अपने बालों में क्या करवा लिया? मॉम, ये आजकल का फैशन है। तुझे कल देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, वो तेरे बालों को देखकर तुझे रिजेक्ट कर देंगे, समझी? ओ मॉम, डोंट वरी, टेक अ चिल पिल, ऐसा कुछ नहीं होगा। जा, जल्दी से पार्लर जाकर बालों का रंग काला करवा ले। नो मॉम, मैं अपने बालों का कलर चेंज नहीं करवाऊंगी। अगले दिन चाहत को देखने के लिए लड़के वाले उनके घर आए। चाहत की माँ उसके सिर पर नकली काले रंग का विग लगाकर उसे तैयार करती है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी लड़के की माँ ने कहा, बहन जी, सुना है आपकी बेटी बहुत सुंदर है, जरा हम भी तो देखें, बुलाइए ना अपनी बेटी को। चाहत अपनी नकली बालों को छुपाने के लिए सर पर पल्ला रखकर अपने हाथों में चाय नाश्ते की प्लेट लेकर हॉल में आई। चाहत को देखकर लड़के वाले अपने बेटे वरुण का रिश्ता चाहत के साथ पक्का कर लिया और कुछ दिनों बाद चाहत की शादी वरुण के साथ हो गई। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो अपनी सतरंगी बालों को छुपाने के लिए हमेशा नकली विग सिर पर लगाए रखती और साथ ही साथ सर में पल्ला भी। एक दिन सुबह चाहत अपने कमरे में नकली विग निकालकर अपने फोन से सेल्फी ले रही थी, तभी उसकी सास उसके कमरे में आई और उसके सतरंगी बाल देखकर हैरान रह गई। बहू, ये सब क्या है? अपनी सास की बात सुनकर चाहत मन ही मन बोली, थैंक गॉड, अब मुझे नकली बालों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तुम बोलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो माँ जी, ये मेरे रियल बाल है। माँ जी, आप भी आओ मेरे साथ एक सेल्फी लेते हैं। ऐसा कहकर चाहत अपने टच फोन से सेल्फी लेने लगी। शाम को जब चाहत का पति वरुण ऑफिस से घर वापस आया तो चाहत के बालों को देखकर बोला, अरे चाहत, ये तुमने अपने बालों में क्या करवा लिया? तुम बिल्कुल सर्कस के जोकर लग रही हो। तुम और तुम्हारी मॉम कहीं दूसरे प्लेनेट से तो नहीं आए? ये फैशन है, तुम्हें तो फैशन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ऐसा कहकर चाहत गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। चाहत के बालों का कलर धीरे धीरे निकलने लगा और उसके बाल बहुत ज्यादा टूटने और सफेद होने शुरू हो गए। ऐसे ही एक दिन चाहत आईने के सामने बैठकर बालों में कंघी कर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे बाल इतनी जल्दी सफेद और झड़ते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, सब लोग मुझे उम्र से पहले ही बुढ़िया कहने लगेंगे। इसी वजह से वो दुखी रहने लगी और ऑनलाइन काफी सारे हेयर प्रोडक्ट मंगाकर अपने बालों में इस्तेमाल करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसके बाल और भी ज्यादा खराब होने लगे। एक दिन चाहत बाजार में सब्जियां खरीदने गई, तभी कुछ औरतें उसके बालों को देखकर तरह तरह की बातें करने लगी। अरे, इसे तो देखो, शक्ल से तो जवान लगती है और बालों से 100 साल की बुढ़ी अम्मा लग रही है। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, मैंने कुछ दिन पहले इसे सतरंगी बाल लेकर घूमते हुए देखा था और आज देखो, बालों में सफेद पुट्टी लगाई घूम रही है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर चाहत को बहुत बुरा लगा। वो सब्जियों का थैला वहीं पटक कर गुस्से से घर वापस लौट आई और धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी सास कमरे में आई। जब उनकी नजर जमीन पर पड़ी बेहोश चाहत पर गई, तो वो बहुत परेशान हो गई
और अपने बेटे वरुण को पुकारने लगी। वरुण बेटा, जल्दी यहाँ आओ, देखो बहू को क्या हो गया। वरुण दौड़ते हुए कमरे में आया और बोला, चाहत उठो, क्या हो गया तुम्हें, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। फिर वरुण उसे अपने बाहों में उठाकर पलंग पर लेटा दिया और उसके चेहरे पर पानी की छींटे छिड़ककर उसे होश में लाया। बहू, ये सब तुमने अपना क्या हाल बना लिया, अपने बाल क्यों काटे। और क्या करती माँ जी, मैंने अपने शौक के चलते मैंने अपना ये हाल कर लिया, मेरे सारे बाल झड़ गए, लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। बहू, जो हुआ उसे अब भूल जाओ, और तुम देखना मैं तुम्हारे बालों को पहले की तरह लंबा और घना बना दूंगी। आप सच कह रही हो माँ जी, क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ बहू, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बस तुम वैसा करना जैसा मैं तुम्हें कहूँ। वक्त बीतता गया। थोड़े ही समय बाद चाहत के बाल फिर से लंबे काले घने हो गए। अब जो भी उसे देखता उसके लंबे बालों की तारीफ किए बिना नहीं थकता। ऐसे ही एक दिन चाहत अपनी सास से बोली, माँ जी अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम मेरी बेटी की तरह हो, लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना कि भगवान ने जो भी दिया है और जितना दिया है उसमें खुश रहना सीखो। जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा करोगी तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। उस दिन के बाद से चाहत अपनी सास के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालने लगी और साथ ही केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल अमन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर हमारे चैनल अमन टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।